वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। चलिए आज की ताजा खबर हम लोग देखते हैं क्या है। कोरोना अपडेट्स एंड अदर सारे देश विदेश की सारी जानकारी, दुनियादारी, हम लोग थोड़ा सा देश दुनिया की खबरें देखते हैं। तो शुरुआत हम लोग करते हैं कोरोना से ही, चूंकि आप लोग सभी जानते हैं कि कोरोना अभी स्पेशल हम लोग देखते हैं कि क्या न्यूज है खास करके, और ये पेंडेमिक पूरी दुनिया में कोहराम मचा रही है। तो ऊपर में आप लोगों को यहाँ पे फ्लैश होगा, हम लोग सबसे पहले जी न्यूज से शुरू करते हैं। जी न्यूज ने ऊपर में सबसे पहले कोरोना का टोटल आज की रिपोर्ट बताई है। यहाँ हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते जाते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। अभी सब जगह बढ़ा हुआ दिख रहा है। त्रिपुरा 118, उत्तराखंड 63, उत्तर प्रदेश में 3,214, वेस्ट बंगाल में 1,678, इस तरीके से ही आपके ऊपर में दिख रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कोरोना एम्स के विशेषज्ञों ने किया अहमदाबाद का दौरा, कही ये महत्वपूर्ण बात। महत्वपूर्ण बातें ये कही है इन्होंने कि अभी कोरोना मई से लेकर के जून जुलाई तक पिक पर होगी हमारे देश में, और उसके बाद हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, मतलब कोरोना के साथ हमें लड़ना पड़ेगा। ये पुरानी एक आप लोग पढ़े होंगे जो थ्योरी वगैरह साइंस में, ये थ्योरी है डार्विन का कि जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो अभी हमें इसके लिए हमारी इम्यूनिटी पावर और हर चीज का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अभी कोरोना के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, हमें उसके साथ लड़ना पड़ेगा, हमारी इम्यून सिस्टम को पढ़ाना होगा। ये है ऊपर में आप देख रहे हैं, हरियाणा 647 है, हिमाचल प्रदेश 50 है, जम्मू एंड कश्मीर 823 है, झारखंड 132 है, कर्नाटका 753 है, केरला 503 है, लद्दाख 42 है, मध्य प्रदेश 3,341 है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की स्थिति है 19,063 है, मणिपुर 2 है, मेघालय 12 है, मिजोरम 1 है, उड़ीसा 271 है, पांडिचेरी 9 है, पंजाब 1,731 है, राजस्थान 3,589 है, इसके बाद इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो सीन है आप नीचे देख रहे हैं, ऊपर आप इसी तरीके से आप दूसरा भी देखेंगे, हम कोरोना जो है कोविड ट्रैकर को भी देखेंगे, एग्जैक्ट हमें जो डेटा है वो वहां से भी पता चलेगा। एम्स के विशेषज्ञ, अब यहाँ पे जो न्यूज है, ये एक बच्ची है जिसको कोरोना था, महाराष्ट्र में छात्रों की अगली जो परीक्षा है वो कब होगी, ये इस पे है, क्लास के प्रमोट कब होंगे वो उसके ऊपर न्यूज फ्लैश हो रही है। और ये कोविड 19 का टेस्ट के लिए हमारे देश में भी कई सारे न्यूज का भी दे रहे हैं, तो ये बात है। अगली हम कड़ी के तरफ चलते हैं, तो खबर झारखंड 9 मई की अहम खबरें। अब 9 मई की अहम खबरें क्या है वो देख लेते हैं, झारखंड की भी थोड़ी सी। कोरोना प्रूफ हाउस, अब पटना में जुगाड़ से बना दिया कोरोना प्रूफ हाउस। अब क्या है वो कोरोना प्रूफ हाउस, ऐसे कहने के लिए बहुत है, बट अभी ये सब कुछ भी नहीं है। वंदे भारत मिशन, बहरीन से 179 भारतीय देश लौटे, 14 दिन तक सभी को क्वारंटाइन में रहना होगा। कोरोना वायरस खबरें, कोरोना एम्स के विशेषज्ञों ने अहमदाबाद की दौरा कही है महत्वपूर्ण बात। वही चीज है, मथुरा के डॉक्टर दंपति के कोरोना पॉजिटिव होने से मचा हड़कंप, 2 दिनों पहले लिया था दोनों का सैंपल। अब ये है न्यूज। इसके बाद बॉर्न बिटवीन 1965 और 1985 गेट टर्म लाइफ इंश्योरेंस विद 1 करोड़, ये सब खैर ये सब तो ऐड है। चलिए इसके बाद कुछ खबर, गोवा के बाद अब यह राज्य हुआ कोरोना संक्रमण से एकमात्र मरीज हुआ ठीक। अब ये सब तो मणिपुर मिजोरम वगैरह का है। यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे तो बिहार में 571, बिहार में बहुत तेजी से फैल रहा है। क्यों? कारण यह है क्योंकि सब जगह के लोग बिहार में अभी जा रहे हैं, जितने भी मजदूर है पलायन करके अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, जो कोरोना कैरियर है वो कोरोना कैरी करके वहां पे जा रहे हैं, इसलिए ऐसा माहौल बन रहा है। झारखंड की न्यूज मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो खबर झारखंड की 9 मई की अहम खबरें क्या है, लॉकडाउन के मद्देनजर प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। हर राज्य अपने लोगों की वापसी सुनिश्चित करना चाहता है, लेकिन झारखंड के जो मजदूर के वापस आने के बाद की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आंध्र प्रदेश से रामगढ़ आए ट्रेन से उतारे प्रवासियों को जिन
बसों में उनके गृह जिले भेजा गया, उन बसों को सैनिटाइज नहीं किया। देखिए ये शर्मनाक बात है। फिर सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। जामताड़ा में डेड बॉडी को इस तरीके से रखा गया और ऐसे चल रही है इस हालात। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। तो और जो अर्ध मृतक है उसको भी किस तरीके से लेके जाया जा रहा है एम्बुलेंस से। इसके बाद ये लेटेस्ट वीडियो, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कैसा बेतुका बयान दिया। अमित शाह ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर जताई नाराजगी। कोरोना काल में सीएम योगी ने दिए अहम निर्देश। अब ये वीडियो पुलिस से सवाल करता है, पहले जांच जरूरी या किसी की जान? तो पहले जान जरूरी है और इस पे ध्यान देना सबकी अभी प्राथमिकता है। भारतीय सेना और आईएएफ के हेलीकॉप्टरों ने खराब मौसम में 15,500 फीट की ऊंचाई पर फंसे चालक दल को बचाया। ये कुछ न्यूज है। और अब हम लोग चलते हैं फिर, ये जो न्यूज था अभी हम लोगों ने देखा, झारखंड के संक्रमित 156 है, कोरोना विजेता झारखंड के बारे में यहाँ पे न्यूज दे रहा है बिहार झारखंड जी न्यूज से। चलते हैं एबीपी न्यूज की तरफ। एबीपी सेहत से जुड़ी अफवाहों पर कहा गया था जो गृह मंत्री अमित शाह बीमार है, तो मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और बीमार नहीं। इसमें दो तीन लोग जो थे वो अहमदाबाद की, जो लोग इस न्यूज को वायरल किया था कि अमित शाह गृह मंत्री बीमार है, उसको अरेस्ट भी किया गया है और उससे पूछताछ जारी है कि किस आधार पे बोला था। कोविड-19 के खिलाफ कारगर क्लोनल एंटीबॉडीज बनाने पर काम, चार भारतीय संस्थान इस पे काम कर रहे हैं। न्यूज देखते हैं, चलिए कौन कौन से भारतीय है। रियाज नायक ने एनकाउंटर से सदमे में, हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन कहा भारत का पलड़ा अभी भारी है, ये कहा है उसने। अब हम लोग चलते हैं, रेल की पटरी पर टला बड़ा हादसा, लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर, अब लोग वहां पे अभी चली रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि 16 ये औरंगाबाद में 16 मजदूरों को जो मालगाड़ी है उसने सुबह के समय में सोते हुए मजदूरों के ऊपर ट्रेन चला करके उन्हें कुचल दिया था। ये भी कोई ड्राइवर की गलती नहीं है, ये तो अभी समय ही पैंडेमिक है तो इसमें कितने लोगों की जान जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इसका नियंत्रण किसी के ऊपर नहीं है। अभी फिलहाल चलते हैं महाराष्ट्र में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है एबीपी न्यूज कह रही है कि 19,063 महाराष्ट्र में, गुजरात में आपका 7,402 है, दिल्ली में आपका 6,318, तमिलनाडु में 6,009, राजस्थान में 3,579, मध्य प्रदेश में 3,341, उत्तर प्रदेश में 3,214, इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में 1,887, पंजाब में 1,731, वेस्ट बंगाल में 1,678, तेलंगाना में 1,133, जम्मू एंड कश्मीर 823, कर्नाटका में 753, हरियाणा में 647, बिहार में 571, केरला में 503, उड़ीसा में 271, चंडीगढ़ में 150, झारखंड में 132। थोड़ा जो डाटा है उसका अलग अलग है, कहीं सबके अपने अपने। कोविड-19 से घर से ही 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का आंसर शीट चेक करेंगे टीचर। अब रेल की पटरी पर टला बड़ा हादसा, लोको पायलट। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी का तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। कांग्रेस नेता अजय माकन बोले मोदी सरकार को नहीं पता कोरोना से कैसे लड़ना है। अब ये तो कैसे लड़ना है, अगर ये नहीं पता रहता तो आज हमारे देश दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला, सॉरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। और अगर ये पता नहीं रहता तो आज जिस रफ्तार से अमेरिका में पॉजिटिव है उसके कई गुना ज्यादा हमारे भारत में पॉजिटिव रहता और कोरोना का संक्रमण और महामारी इतनी फैली रहती, इसका प्रकोप इतना ज्यादा रहता कि जिसको ये जो दूसरी तीसरी लेवल में हम लोग कम्युनिटी लेवल को क्रॉस कर रहे होते और कम्युनिटी लेवल की इतनी भयावह स्थिति होती कि समझिए 50% आबादी वैसे कम हो जाती क्योंकि ये हालात इतनी खराब होती। तो कतई ना कतई ये सब बात गलत है कि प्रधानमंत्री को नहीं चलाने आता है, प्रधानमंत्री को चलाने आता है तभी प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री है, नहीं तो प्रधानमंत्री नहीं रहते, ये कॉमन सेंस की बात है। चलिए आगे की न्यूज में देखते हैं हम। कोविड-19 के खिलाफ कारगर क्लोनल एंटीबॉडीज बनाने पर काम, चार भारतीय संस्थान शुरू कर रहे हैं साझा परियोजना। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मुताबिक सरकार कई संस्थानों के सामूहिक प्रयास वाली परियोजना को मंजूरी देने जा रही है, जिसके तहत सारस कोविड-2 पर वार करने में सक्षम ह्यूमन मैनक
क्लोनल एंटीबॉडी बनाई जाए। अब कैसा है ये, नई दिल्ली में इसका मतलब मीटिंग हुई है, दुनिया भर के चल रहे खोज के कवायद, तो भारत वैज्ञानिक भी इस विकल्प को तलाश करने जा रहे हैं और उपचार की संभावना नजर आ रही है। इस कड़ी में सरकार अब मोनोक्लोन क्लोनल एंटीबॉडीज बनाने की परियोजना को मंजूरी देने जा रही है, जो कोरोना वायरस को मारने में कारगर हो। इसके जरिए भविष्य में कोरोना वायरस के किसी भावी संक्रमण के खिलाफ भी ढाल बनाने की तैयारी है। भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के मुताबिक सरकार कई संस्थाओं के सामूहिक प्रयास वाली परियोजना मंजूरी देने जा रही है। तो इसी के संबंध में ये बुरी खबर है। और अगली खबर की ओर चलते हैं कि आज का आज तक क्या कहते हैं, ये तो बहुत पहले की है जिन्होंने ये दे रखा है फुल कवरेज, 17 केंद्रीय मंत्री एक न्यूज चैनल पर। भारत ने भी वैक्सीन तैयार करने के लिए दिशा में बढ़ाया कदम, जानवरों पर होगा ट्रायल, ये हम लोगों ने देखा। घर वापसी के बाद 14 दिन क्वारंटीन, ये तो पुरानी ही न्यूज है। पीओके की घर वापसी का भारत ने प्लान किया तैयार, खौफ में जी रहा पाकिस्तान। जावेद अख्तर बोले इस बार तो खुद से ही लाउड स्पीकर पर बंद कर दे अजान। इसके बाद सेहत से जुड़ी अफवाह पर बोले अमित शाह, मैं तो पूरी तरह, नेपाल ने किया मानसरोवर लिंक का विरोध, भारत बोला हमारे इलाके में सड़क। अजीत जोगी के गले में फंसा था इमली का बीज, अगले 48 घंटे बेहद अहम। अब ये अजीत जोगी जी को अभी लॉकडाउन में ही इमली क्यों खाना था। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमित जो है और डॉक्टर ठीक, पर इस वजह से हुई मौत। तो ये सब कुछ न्यूज है और हम लोग इसकी जो खास है न्यूज उस पे चलते हैं। चीन को झटका, WHO ने माना कोरोना फैलने में युआन की बड़ी भूमिका। हाँ, ये अब जाकर के माना है, इसको पहले मानना चाहिए, शर्म की बात है। कोरोना मुक्त राज्य बना मिजोरम, एक संक्रमित मरीज भी हुआ ठीक है। पति से अलग होने पर बोली श्वेता, सिर्फ मैं कमाने वाली, डिप्रेस नहीं हो सकती। अब ये कौन है एकता, आप लोग भी जान लीजिए इनके बारे में वीडियो। अमित शाह के स्वास्थ्य पर अफवाह फैली, ये सब बात तो हम लोग देख चुके हैं। नोएडा में कोरोना से दूसरी मौत, दिल्ली में आज 224 नए मामले, ये सब खास खास न्यूज है। क्या 17 मई के बाद भी बढ़ेगा लॉकडाउन, पढ़े मंत्री हर्षवर्धन का जवाब, तो पढ़ लेते हैं। 350 साल पहले अपनाया था इस्लाम, अब दफनाना छोड़ बने, फिर बने हिंदू। अब ये कौन लोग हैं देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में चीन को झटका, WHO ने माना कोरोना वायरस फैलने में युहान की बड़ी भूमिका। क्या भूमिका है कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर के चीन और बाकी देशों में चल रही तानातानी के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आखिरकार मान लिया है कि कोरोना के फैलने में चीन की बड़ी भूमिका रही। उसने माना कि चीन की वुहान मार्केट कोरोना वायरस के प्रसार में एक बड़ी वजह बनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के फूड सेफ्टी जूनेटिक जो वायरस एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर बेन एम्ब्रेक ने शुक्रवार को जेनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वुहान की वेट मार्केट ने इसमें भूमिका निभाई है, यह साफ है, लेकिन क्या भूमिका है, इस दिशा में और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। ये सही बात बोली है, हालांकि अमेरिका इसके ऊपर पूरे रिसर्च करी है और पैनी नजर बनाई है। हालांकि पीटर ने चीन पर लगाए जा रहे अमेरिका के आरोप पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जानने में एक वर्ष का समय लग गया था कि मर्स मिडिल ईस्ट रेसिपिटरी सिंड्रोम का जो सोर्स ऊंट है, इस प्रकार कोरोना के मामले में अभी भी देर नहीं हुई है, हमारे लिए अभी सबसे अधिक जरूरी वायरस का प्रसार रोकना है। मर्स वायरस 2012 में सऊदी अरब में पैदा हुआ था और मिडिल ईस्ट में फैल गया था। चीन पर बात करते हुए पीटर ने यह जरूर कहा कि जांच की बात की जाए तो चीन के पास जांच के सभी साधन है और बहुत से योग्य रिसर्चर भी हैं, लेकिन कभी कभी समूहों और शोधकर्ताओं के साथ और दुनिया भर के लोगों के साथ विचार विमर्श और सहयोग करना बहुत उपयोगी होता है, जिसमें एक सामान्य मुद्दों पर अपने अनुभवों को सब में बांटे। अब ये है जो चमगादड़। साथ ही पीटर ने दुनिया भर में वेट मार्केट्स के लिए नियमों की जरूरत भी बताया। उन्होंने साफ सफाई की सुविधा को सुधारने और कुछ को बंद भी करने की जरूरत है। वेस्ट मैनेजमेंट, लोगों सामान में के मूवमेंट और जिंदा जानवरों को प्रोडक्ट से अलग करने का ध्यान दिया।
तो ये कुछ न्यूज़ेस हैं हम लोग का। अब ये युहान का जो चीन का युहान मार्केट का आपके सामने ये कुछ तस्वीर है, और ऐसी तस्वीर है जो डरा देने वाली है। तो ये न्यूज़ कुछ थी जो हम लोगों ने देखा। अब अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं फिर से। आज तक पति से अलग होने वाली वाली श्वेता सिर्फ मैं कमाने वाले डिप्रेस नहीं हो सकती। श्वेता ने कहा कि मेरे कंधे पर कई जिम्मेदारी है, मुझे कई लोगों को देखना है, मैं तनाव में या गम में नहीं डूब सकती। मेरे बेटी, मेरा बेटा, पूरा घर मुझे ही देखना पड़ रहा है। घर में कमाने वाले सिर्फ मैं ही हूँ। मैं ही अपने घर को की मर्द और औरत दोनों हूँ। श्वेता तिवारी का कहना है। टीवी इंडस्ट्रीज में कई हिट शो कर चुकी श्वेता तिवारी की निजी जिंदगी काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। अब वो अपने पति अभिनव कोहली से अलग रह रही है। अभिनव से सेपरेशन के बाद हाल ही में श्वेता तिवारी ने बातचीत की, और सिर्फ वो। तो ये कुछ टीवी फिल्म इंडस्ट्रीज की खबरें थी। चलिए कोरोना पे हम लोग सेंटर्ड होते हैं, केंद्रित होते हैं। ये एजेंडा 17 मई के बाद ही बढ़ेगा लॉकडाउन, पर डॉक्टर हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन ने क्या कहा है, कोरोना की से लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अभी भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार इजाफा हो रहे हैं। आगे भी लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर सरकार मंथन कर रही है। आज तक के इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्होंने विषय से विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन आगे बढ़ेगा भी या नहीं, ये कई चीजें को देखने के बाद तय किया जाएगा। उन्होंने कहा, हाँ ये सब तो बात है, ये नई बात नहीं है कि अब जब तक कोई एनालिसिस नहीं करेंगे कुछ कह नहीं सकते कि कब तक कोरोना जाएगा। अब जानने की है, हरियाणा के हिसार जिले में एक मामला ऐसा आया जो 350 साल पुरानी परंपरा को छोड़कर सबको दफनाने के बजाय जलाकर अंतिम संस्कार किया जा। आश्चर्य की बात यह है कि परिवार वालों का कहना है कि औरंगजेब की वजह से उनकी बुजुर्गों में इस्लाम धर्म अपनाया था। अब ये हम औरंगजेब ने क्यों अपनाया था और क्यों फोर्स किया था, आजकल तो सब ऐसे न्यूज सब चलते रहते हैं। कोरोना ट्रैकर भारत में 59,662 है, रिकवर 17,847 है, डेथ 1981 है। कंफर्म पूरी विश्व पर देखिए तो 40 लाख से ज्यादा है, अभी तो 41 है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप दूसरा न्यूज देख लिए। एमपी लॉकडाउन में फंसे कश्मीरी छात्रों को बस से किया गया रवाना, एनडीटीवी का ये आ रहा है अभी न्यूज अपडेट। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बड़ा हादसा, ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत। टैप करके देखिए, अब क्या करें, मजबूरी है ना, सारे मजदूर अपने अपने घर को पलायन कर रहे हैं। रास्ते में कई प्रकार की घटनाएं घट रही है जिससे बहुत ही निंदनीय बात है, और जहां की सरकार है, जिस जगह की, उस सरकार को पूरी मदद करने के लिए सामने आना चाहिए। जो कोरोना की कुछ रेड जोन्स हैं या कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं, भारत में कोरोना टेस्टिंग कितनी तेजी से, डॉक्टर अभी तो बताया गया कि 75,000 से ज्यादा के टेस्ट हो रही है प्रतिदिन। देखने वाली बात है कि वास्तविकता इसमें कितनी है। अगली खबर की ओर चलते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं, मध्य प्रदेश में नरसिंह में बड़ा हादसा, ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत हुई, एक में कोरोना के लक्षण भी मिले। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर में, अब भाई इतने इतने दूर से सब जाएगा तो रास्ते में तो इतने, अभी वैसे ही ये समझिए कि भारत में तीसरे चरण में मतलब थर्ड स्टेज में पहुंचे कम्युनिटी लेवल में, क्योंकि पता ही नहीं है कि कोरोना किसको है किसको नहीं है। जितना ज्यादा टेस्ट हो रहा है उतना ही ज्यादा निकल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पता नहीं है कि कौन कौन से मतलब एग्जैक्ट उस जगह को ट्रैक नहीं कर पाए कि कहां कहां पे कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं। जो जो बहुत ज्यादा पता चल रहा है वहां पे, जहां पे अभी तो कोरोना में कई सारे लक्षण है कि बिना लक्षण के ही कोरोना पॉजिटिव मिल जा रहा है लोगों में। तो ये सब कई सारी बातें हैं जिसपे पता करना भी जरूरी है। बीबीसी न्यूज को देखते हैं। कोरोना वायरस चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के निदेशक का बनाया, कोरोना वायरस महामारी से उजागर हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का की कमियां। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 40 लाख से अधिक मामले, ये तो है पुरानी, अब ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इसलिए ये सब न्यूज अब करीब करीब एक ही चीज है। मेन मेन जो मैंने इसके हेडलाइंस थी वो सारी हेडलाइंस तो मैंने दिया। सभी हस्तियों ने अभी मदर्स डे पे सब अपने अपने मॉम डैड के साथ खुशियां मना रहे हैं, अच्छी बात है। तो तमिलनाडु में सोमवार से चाय की दुकानों, निजी कारोबार खोलने की अनुमति मिल गई है, और साउथ की मूवी में भी साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज को अपने जो पोस्ट प्रोडक्शन के काम है वो काम करने की भी परमिशन मिली हुई है। हालांकि
जो हमारे बॉलीवुड है, इस बॉलीवुड को अभी खोलने की जुलाई से इसकी कयास लगाई जा रही है। देखने वाली बात होगी कि कैसे वास्तविकता क्या है और कैसे क्या होगी, खुलेगी वाकई में। इसके बाद कोरोना सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्य में केंद्रीय टीम भेजेंगे सरकार, तो भेजेंगे कब, भेज देना चाहिए अभी तक, तो जब देख रहे हैं कि इतने हालात गंभीर है। महाराष्ट्र में कोरोना को 1165 नए मामले आए सामने, मुंबई में संक्रमित 13,000 के करीब, अभी और बढ़ेंगे मामले, अभी हम लोग देखते जाएं। इसके बाद चलते कुछ न्यूज़पेपर की ओर तरफ। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को देखें तो प्रभात खबर की पहली खबर जो है, रांची कोरोना वायरस है झारखंड, अब धनबाद से मिले 2 नए कोरोना पॉजिटिव, राज्य में और भी कई बहुत सारे होंगे। इसके बाद है झारखंड हाल ही में ई पास बनाने के बाद SMS और नहीं ईमेल से मिल रही सूचना, अभी तक हो रहे परेशान। मनोरंजन मदर्स डे पे देखें, राज्य में झारखंड में लौटने का इंतजार में 5.50 लाख लोग, दिल्ली महाराष्ट्र के 90,000 प्रवासी की वापसी से हो सकता है कोरोना पॉजिटिव की संख्याएं ज्यादा, ये मेन खबर है। और यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, कर्नाटक सरकार ट्रेन सर्विस चालू करे, सब सरकार को यहाँ पे लोग अनुरोध कर रहे हैं। कोरोना वायरस ने इन बिहार अपडेट, बिहार में 6 और मिले कोरोना पॉजिटिव, संक्रमित मरीजों की संख्या मैंने आपको दिखाया था 571 कोरोना वायरस झारखंड अपडेट, धनबाद से मिले 2 नए। बिहार पॉलिटिक्स जो लेटेस्ट है, भाजपा क्रीमी लेयर की विरोधी, प्रमोशन और आरक्षण व न्यायिक सेवा का, जमशेदपुर में 110 किलो की नंदिता बनी इंटरनेट सेंसेशन, जीते 5 लाख रुपए। पलामू में क्रशर प्लांट पर नक्सली हमला, 1 दर्जन से अधिक वाहनों को जलाया, हम देखिए नक्सली हमला भी इस स्थिति में चल ही रही है। तो ये सब कुछ खबरें हैं। अब चलते हैं मनोरंजन की, बॉलीवुड में काजल से लेकर करीना कपूर तक माँ के बाद, अब सब अपने अपने माँ, आज मदर्स डे है तो इस मदर्स डे स्पेशल दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं न्यूज 18 की ओर। विश्व भर में कोरोना का 2.7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, यूरोप में अमेरिका, यूरोप और अमेरिका में हुई 85% मौत। अब ये है, विदेश से लौटे लोगों ने बढ़ाई फिक्र, कोरोना मामले की संख्या 60,000 के पार, महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के 20,000 के पार, और लाउड स्पीकर अजान के दूसरों को होती है परेशानी, होनी चाहिए बंद, जावेद अख्तर ने कहा। विदेशों से आए लोगों ने, महाराष्ट्र में जो विदेशों से आए लोग हैं, चाहे पूरे हमारे देश में विदेशों से लौटे लोगों ने बढ़ाई फिक्र, कोरोना मामले की संख्या बढ़ी 60,000 के पार। ये दुखद है क्योंकि हमारे देश में पहले सरकार को ये चीज सोचना चाहिए था कि हमारे देश में जितने लोग फंसे हुए हैं, जो जहां जहां पे लोकल लेवल पे या अपने शहर के अंदर में, कोई अपने जो है पड़ोसी के यहाँ रुका हुआ है, कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ है, कोई अपने दोस्त के यहाँ रुका हुआ है, और वहीं पे वो अपना पूरा ये 2 महीना पार कर दिए, 60 दिन करीब होने जाएगी, तो पहले उन लोगों के लिए रिलैक्सेशन 1-2 दिन का देना चाहिए या 4 दिन का देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रिलैक्सेशन देने के बजाय बाहर से लोगों को मंगाई जा रही है। एक तो यहीं पे इसकी जो संक्रमण की संख्या है वो अधिक से अधिक बढ़ रही है, ऊपर से बाहर से भी विदेशों से बुलाया जा रहा है सभी लोगों को, सभी देश को। अब ये हम लोग जानते हैं कि वहां पे अगर किसी देश में कोई वीजा लगा हुआ है और किसी देश में वहां पे उसकी जॉब चली गई, तो उसको उस देश में उस डेट के बाद रहना की परमिशन नहीं है या रहने की वहां परमिशन नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर कोई गवर्नमेंट को रूलिंग देनी चाहिए या कोई रूल निकालनी चाहिए उन लोगों को वहीं पे, और या वीजा को एक्सटेंशन करा देना चाहिए, वहीं पे रोकना चाहिए ताकि सेफ रहे और वो लोग से और ज्यादा संक्रमण ना हो, और यहाँ की जो पहले हमारे देश की हालात है उसको सुधार करना चाहिए, जो जहाँ लोग फंसे हुए हैं 1-2 दिन का रिलैक्स देना चाहिए सरकार को, और जो लोग जो मजदूर है इस तरीके से जिनकी जो हादसा हो रही है, लोग मर रहे हैं, लोगों की पलायन हो रही है, उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन अब सरकार इस पे क्या पहल कर रही है, अब ये तो आने वाली वक्त ही बताएगी। सरकार का 80 लोगों का बड़ा तोहफा, 1 जून से देश में कहीं भी ले सकेंगे राशन। कोरोना का 1 मामला सामने आया, 7 गांव के क्वारंटीन जोन घोषित किया। हरियाणा आने के इच्छुक 1.47 लाख प्रवासी मजदूर खट्टर सरकार लाने के लिए तैयार।
अब हरियाणा का सरकार, सब सरकार अपना अपना जो स्टेट से है वो लाने के लिए है, ये कुछ अपडेट्स है। इसके बाद एमपी में आम लदे ट्रक से हैदराबाद से यूपी लौट रहे थे मजदूर, दुर्घटना में 5 की मौत। अब ये सब खबर है। कोविड-19 मथुरा के, ये तो मैंने पहले ही बताया था, इंदौर में 81 साल के बुजुर्ग ने दी कोरोना को मात, इलाज के बाद घर लौटे। दिल्ली सरकार और अस्पतालों के मौत के आंकड़ों में अंतर, घिरी आप सरकार। अब दिल्ली सरकार और अस्पतालों में मौत, अब दिल्ली सरकार और ये तो कॉमन हो गई है, क्योंकि कुछ रह वहां पे जो है संक्रमित या जो है लोगों की संख्या, हॉस्पिटल में जो भर्ती होते हैं उसकी कुछ संख्या कुछ और होते हैं, बेड की संख्या कुछ और होती है, बताते कुछ और है, जो डाटा कहती है सबकी डाटा अलग अलग है। अब सब चैनल वाले की भी डाटा अलग अलग हम लोग जैसे यहाँ देख रहे हैं। यह है बॉलीवुड के पॉपुलर, अब चलते हैं थोड़ी सी इस पे देख लेते हैं मनोरंजन की बॉलीवुड में। यह है पॉपुलर बॉलीवुड की फन लविंग माँ, जो रोती हुई माओ पर पड़ गई भारी। अब यहाँ देखे हैं 20 साल के की नेहा दुपिया को जिम में देखकर दीवाने हो गए थे आनंद वेदी। तो यह है कुछ खबरें। अब इस तरीके से अब आगे चले, रिक्शा चलाने वाला कैसे बन गया महान बल्लेबाज, ऐसे बदली मोहम्मद यूसुफ की जिंदगी। अब इस तरीके से है कई सारे ऐसे न्यूज। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं कोरोना के ट्रैक पे, मेन तो हमें कोरोना का देखना है। देखिए तो अभी का लेटेस्ट जो खबर है 41,05,338, जबकि उधर 40 लाख के आसपास दिखाई जा रही थी। अभी यहाँ पे ये है 2,80,000, जबकि 2,66,000 उधर टोटल डेथ की संख्या दिखा रही थी। 2,80,601 है और रिकवर 14,53,659 है। अब ये टेबल में देख लेते हैं कि पूरी विश्व में क्या है स्थिति बनी हुई है कोरोना का। यूनाइटेड स्टेट में, यूएसए में है 13,49,716 डेथ, 80,156 की हो चुकी है। मतलब हाई सिचुएशन, हाई क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है आपका यूएसए की। स्पेन में 2,62,783 है, इटली में 2,18,268 है, यूके में 2,16,526 है, रशिया में 1,98,667 है, 76 है, फ्रांस में 1,78,682 है, जर्मनी में 1,71,324 है, इसके बाद ब्राजील में 1,56,061 है। यहाँ भी जो है डेथ की संख्या 10,000 है, यहाँ 7,549 है, 665 है। चूंकि ये संख्या हम लोग इसलिए नहीं गिनते क्योंकि इसमें कम ओबेस बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। जर्मनी में 1,71,324 है, ब्राजील में 1,56,061 है, टर्की में 1,37,115 है, ईरान 1,06,220 पे है, चाइना 83,991 पे है। इसके बाद चाइना में अभी तक डेथ कितनी हुई है 4,637, पहले 3,3300 के आसपास में था, अभी कुछ बढ़ा है। कनाडा 67,702 है, पेरू में है 65,015, इंडिया में 62,000 के आसपास पहुंच चुकी है, 62,800 मतलब 63,000 समझिए तो अभी तक हो चुकी है, 2,101 की डेथ हो चुकी है भारत में। ये हमारे इंडिया की पूरी डेटा कहती है कि यहाँ से देखिए 29 मार्च से ऐसे पीक पे गया है कोरोना, जैसे अब यहाँ पे आपको दिखाई देगी सारे ओरिजिनल स्केल किस तरीके से बढ़ते हुए गया हुआ है। अभी कोरोना का जो हालात है सब जगह, अंडमान निकोबार में 33, आंध्र प्रदेश में 1,887, असम में 59, दिल्ली में 6,318, इसके बाद बिहार में 571 है। बहुत ज्यादा केस हो गया, क्योंकि बिहार का केस इसलिए हो गया बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं प्रवासी मजदूर। चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ में 59 है, दादर नगर हवेली में 1 है, गोवा में 7 हो गया, चंडीगढ़ में जबकि गोवा में पहले 1 भी नहीं था, चंडीगढ़ में 150 है, केरला में 503 है, गुजरात में 7,402 है, जम्मू एंड कश्मीर में 823 है, हालांकि तमिलनाडु में 600 है। इस तरीके से सब जगह बढ़ रहा है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो मैं खास करके बताता हूँ आपको, 1,678 है, मध्य प्रदेश में 3,341 है, इसी तरह तेलंगाना में 1,133 है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है 20,000 के आसपास पहुंचने वाली है, क्योंकि 19,063 है तो कल परसों तक यहाँ भी पहुंच जाएगी। पंजाब में उसी तरह 1,731 है, राजस्थान में 3,579 है और उत्तर प्रदेश में 3,214 है। तो इस तरीके से है, और भी सारे लोकेशन हम लोगों ने देखा। अब ये हॉटस्पॉट और के एरिया जहाँ है वहां पे दिखा रही है पूरी भारत की। तो ये हालत बनी हुई है कोरोना की। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग इंडिया टुडे, कोरोना वायरस इन इंडिया, फुल लिस्ट ऑफ कोविड-19 हॉटस्पॉट इन गाजियाबाद सील्ड बाय यूपी गवर्नमेंट।
यूपी गवर्नमेंट ने सील कर दिया है कोरोना के जितने भी जो हॉटस्पॉट है, नंदग्राम, निकट मस्जिद, पुलिस स्टेशन से लेकर के यहाँ पे आपका मुर्दा जो है नगर, यहाँ से हॉटस्पॉट एपिक सेंटर गाजियाबाद, नंदग्राम, निकट मस्जिद, थाना क्षेत्र सिहानी गेट, कोविड ग्राउंड कहाँ का, ये पूरे जगह है जिसको सील किया गवर्नमेंट ने 13 जगह को। अब इस तरीके से आगे चलते हैं हम लोग अगले खबर की ओर। इंडिया टुडे हैज प्लेंटी ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज दैट कैन हेल्प यू द बेटर अंडरस्टैंड द कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ये तो सब कह रही है लेकिन कहाँ प्रोटेक्ट हो पा रहे हैं हम लोग, सुरक्षित तो हो ही नहीं रहे। महाराष्ट्र में 20,000 के करीब संक्रमित, देश में 2,000 के पास पहुंचा मौत का आंकड़ा। जाने कोरोना के कम असर वाले मरीजों को आसानी से मिलेगी छुट्टी, केवल गंभीर रोगियों को ही होगी जांच। ये सब है कुछ गुजरात के बदलो और अमित शाह के तबियत को लेकर अफवाह फैलाने वाले 4 लोग अहमदाबाद में गिरफ्तार। ये न्यूज मैंने पहले बताया था आप लोगों को। निर्विरोध चुने जा सकते हैं उद्धव ठाकरे समेत महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के सभी 9 प्रत्याशी। ठेकेदार ने मौत से पहले मजदूर से वसूली थी रोटी की कीमत, जाने। मुश्ताक अहमद बोले, विराट कोहली और एमएस धोनी की वजह से इंग्लैंड ने भारत को इतिहास रचा था। अब चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा। दैनिक भास्कर कह रही है कि कोरोना के बीच मां की तस्वीरें, मुश्किलों के वक्त में मां ही सबसे मजबूत साबित होती है। कोरोना फैला और हिम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो बच्चों की ताकत बनकर लड़ी दुनिया भर की माएं। अब मदर्स डे में ये मदर डे स्पेशल है तो नेक्स्ट न्यूज की ओर देखते हैं। नेक्स्ट, अब ये हिंदुस्तान क्या कहते हैं। हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि 14 राज्य में सक्रिय कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या घटी। अब ये और भी कई सारे हैं तो आगरा में अस्पतालों के सामने सड़क पर जन्मी 3 बेटियां, दावा, कोरोना वायरस मां के दूध की रक्षा कवच भेदने में नाकाम। वही सब दावा किया जाता है लेकिन कौन सा क्या सच्चाई है तो खास करके हम लोग देख लेते हैं। हिंदुस्तान भी, बिहार सेवा आयोग की 2012 की परीक्षा का फिर से मूल्यांकन का आदेश। अब न्यूनतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने बिहार सेवा चयन आयोग को निर्देश दिया कि वह 2012 और 2013 में आयोजित की गई चयन परीक्षाओं का फिर से मूल्यांकन करे और उसका परिणाम प्रकाशित करे। कोर्ट ने यह आदेश विशेषज्ञ समिति को दिया। देखिए कितना कब कब पुराने मामले को भी, मतलब जो वास्तविकता और ऑनेस्टी अभी भी नहीं है। गोपालगंज जदयू विधायक के करीबी को गोली मार कर हत्या। जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे करीबी थे। शंभू मिश्रा अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर दिया घटना का अंजाम। मां का बाराहट थाना क्षेत्र के बेलू टीकर गांव में एक विधवा की संदेहास्पद मौत, शरीर पर जख्म के निशान, हत्या की आशंका, गोतिया से चल रही थी, जमीनी विवाद, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बांका में भी है वैसी के शिकार। अब ये सब तो छोटा मोटा न्यूज है, अभी तो वर्ल्ड न्यूज पे हमें कंसंट्रेट करना है। इकोनॉमिक्स टाइम्स का भी वही है कोरोना के लेकर के, यहाँ पे कंफर्म 59,600 वही सिचुएशन दिखा रही है अमित शाह की और वही सारे है। सिक स्ट्रेन ब्रोक मिलियन ट्रक्स स्ट्रक अंडर गल्फ फायर्स, कुछ मिलियंस ऑफ इंडियन वर्कर्स आर स्टिलिंग एट एन अनसर्टेन फ्यूचर एज कोविड-19 सर्जर बिजनेस एंड क्वेस्ट ऑयल। ये सब कुछ न्यूज दिखा रहा है। निफ्टी क्लोज हो रहा है 9,251.50 पे, उछाल है 52.45 की, टॉप ग्रोथ स्टॉक में है। इसके बाद यहाँ पे सेंसेक्स 31,642 पे है। स्टॉक मार्केट की यहाँ पे न्यूज मिल रही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे न्यूज की ओर। इंडिया टुडे का क्या है, रीड। कोविड-19 सेंटर बंगाल इन्फेस टसल अवार्ड रिटर्न ऑफ ट्रेंडेड माइग्रेंट स्टैलिनियर्स 60,000। सेंटर लाइक टू अनाउंस रिलीफ पैकेज नेक्स्ट वीक, ऑल ऑफ यू टू नो। अब ये सब एविएशन का, सिविल एविएशन मिनिस्टर एक्सप्लेन हाउ एयर ट्रैवल विल चेंज इन कोविड-19 टाइम्स, कैसे बदलेगी ये हालात, इसकी ये एविएशन मिनिस्टर का कहना एक्सप्लेन करना बताना है कि जो हवाई यात्रा है वो किस प्रकार से कोविड-19 में सुधार ला सकती है। एनटीआर बर्थडे स्पेशल, राणा
दगबीत काजल पोस्ट अभी सब तो बॉलीवुड की है, तो जी अब थोड़ा सा कोरोना के खिलाफ डोबल नीति से बर्बाद हो जाएगी आतंकिस्तान की टेरर कुंडली, 5 घंटे चली बैठक। अब 50 बेगुनाह की मौत का जिम्मेदार है सफूरा जरगार, जिसे बताया जा रहा है मासूम। कोरोना संकट के बीच बार बार दिख रहे हैं एलियन, आखिर क्या है वजह? मिल गया समुद्र से बड़ा राक्षस। अब ये सब कुछ अजीब अजीब घटनाएं हैं, देख लेते हैं थोड़ा एक देते। तीसरे विश्व युद्ध की आप जानिए कैसे हो सकती है शुरुआत। अब आहट तो हो ही चुकी है। यह है सनी लियोनी की दिलकश अदाओं से नजरें हटाना मुश्किल। कुछ फोटो है इंस्टाग्राम पर, चलता है नेहा मलिक का जादू। देखिए दुनिया का सबसे हॉट गोल्फर की तस्वीर, देखिए सोनम कपूर की खूबसूरत थ्रोबैक तस्वीर। ये सब कुछ न्यूज है, चलते हैं हम लोग अगली न्यूज की ओर। कोरोना के संकट के बीच बार बार दिख रहे हैं एलियन, आखिर क्या है वजह? फिर दिखे एलियन, एलियन कैसे दिख जा रहे हैं इसके बारे में लिखा हुआ है। नई दिल्ली पुरिया ने संकट फैला हुआ, लेकिन इस तबाही के बीच अमेरिका के आश्चर्यजनक रूप से कई बार परगृही प्राणियों के दिखाई देने की घटनाएं सामने आई है। इनका कोरोना संकट कोरोना वायरस से कोई नाता है या फिर सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। टेक्सास में दिखाए गए कथित एलियन शिप, अमेरिका के टेक्सास शहर में संक्रमण त्रिकोण के आकार के 3 रहस्यमय रोशनियां दिखाई दी। ये तीनों रोशनियां आसमान में एक अंदाज में साथ साथ मूव कर रही थी। ये रोशनियां धीरे धीरे एक निश्चित गति से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, फिर अगल बगल मूव कर रही थी, इसके बाद गायब हो जाती है। तो ये सब कुछ अफवाह भी हो सकती है, क्या कहें इसको। मध्य प्रदेश में अब ये जो घटना हुई है नरसिंहपुर, बड़ा हादसा, ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत। तो यही थी कुछ खास आज की न्यूज, और हम लोग देखें हुआ गेन 30 विल शॉक मेन, कुछ गे वगैरह का ये न्यूज, सब इस लड़की का डांस देख के भूल जाएंगे सपना चौधरी के रोमांटिक गाने। और तो ये सब कुछ है सलमान खान की आज की, क्या है सलमान खान ने कर डाली घोषणा 18 नवंबर की कर लेंगे शादी, लेकिन तो किससे करेंगे शादी से तो कहना मुश्किल है, किससे कैसा। सानिया मिर्जा की आत्मकथा अगेंस्ट ट्रेंड्स के विमोचन कर समय शिरकत में दौरान सलमान खान ने कहा, पता नहीं ये किससे करेंगे, क्या इसका रहस्य है। सलमान खान अभी तक तो शादी के लिए कभी हाँ हामी भरे ही नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज है और पुरानी खबर भी है, न्यू खबर भी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग, और अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं कुछ नया खबर को लेकर।